चलिए आगे बढ़ते हैं। टेररिज्म के साथ प्रदेश में आने वाले अवैध हथियार तस्करों पर अंकुश लगाना एटीएस की प्राथमिकता होगी, और ये कहना है एटीएस के नव नियुक्त डीआईजी अंशुमन भौमिया का। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में भौमिया ने बताया कि वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है बाहरी राज्यों से अवैध हथियारों का हमारे प्रदेश में आना, क्योंकि इन्हीं हथियारों के बल पर प्रदेश में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में एटीएस की प्राथमिकता होगी कि टेररिज्म के साथ साथ इन हथियार तस्करों पर लगाम लगाया जाए। अंशुमन भौमिया से बात की है हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा ने। प्रदेश के पुलिस बेड़े में तबादले के बाद अब दौड़ शुरू हो गया है अधिकारियों के अपने अपने पोस्टिंग पर जाने का। अगर बात करें पुलिस महकमे के अंदर तबादलों की, तो सबसे महत्वपूर्ण पद एटीएस का हुआ है। डीआईजी के पद पर खुद अंशुमन भौमिया को पोस्टिंग मिली है। बता दें आपको, कोटा शहर रह चुके, जयपुर में रह चुके, दौसा में रह चुके, कई स्थानों का अनुभव, उसके बाद में इंटेलिजेंस में रहे, और शायद इसीलिए अनुभव को देखते हुए इनको डीआईजी एटीएस की पोस्टिंग दी गई है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी। सर, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सत्यनारायण। सर, आप कई स्थानों पर रह चुके, काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एटीएस के डीआईजी पद पर, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी? एटीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है कि किसी भी प्रकार की उग्रवादी जो गतिविधियाँ हैं उन पर पूरी तरह से नज़र रखी जाए और उनको कोई भी वो एक्टिविटी इफेक्ट में लाएँ उससे पहले ही उनको नेस्तनाबूद किया जाए। तो एटीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और ख़ास तौर में पिछले दो दशकों में जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में बढ़ावा हुआ है ग्लोबली, उसी को देखते हुए विभिन्न स्टेट्स में एटीएस की स्थापना हुई और साथ में सेंटर में एनआईए की भी स्थापना हुई। और तो लगातार एटीएस में राजस्थान बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि इसको और ऊँचाई पर लेकर जाएँ। एटीएस आतंकवादियों के साथ साथ प्रदेश के अंदर जो बड़े अपराधी हैं उन पर नज़र रखती है, क्या कुछ आप करेंगे सर इसके अंदर? ये बिल्कुल सही है कि एटीएस ने अपना दायरा पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ाया है और जिसमें न सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इंटरस्टेट टेररिज्म को लगातार वॉच करते रहे हैं, पर और भी जो भी संदिग्ध गतिविधियां हैं, ख़ास तौर से हथियारों का जो मूवमेंट होता है, एक्सप्लोजिव का जो मूवमेंट होता है, उनको भी तो लगातार एटीएस ट्रैक करती रहती है। कई बड़े मामलों में जैसे फर्जी लाइसेंस के थ्रू जो हथियार बनाए गए थे पिछले कुछ समय पहले, जिसमें इनके लिंक्स जम्मू कश्मीर तक मिले थे, उसमें भी एटीएस ने लगातार अच्छा काम किया। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो कि इलीगल आर्म्स और इसके अलावा ड्रग्स या जो भी चीज़ें टेररिज्म को फंडिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं आतंकवादियों के द्वारा, उन पर भी लगातार सख्त निगरानी रखी जाए। छद्म तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, ग्रुप्स में, एलिमेंट्स में जोड़ा जाता है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो भी नेटवर्क्स उनको भेजा जाए, इसलिए हमारे जो टेक्निकल जो ग्रुप्स हैं उनको भी हम स्ट्रेंथन करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि इन ग्रुप्स के थ्रू हम ऐसे ग्रुप्स पर लगातार एक्टिविटी पे वॉच रखें जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या उनका माइंडसेट इस तरह का है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे टेक्निकल साइड को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे, साथ में जो फील्ड यूनिट्स हैं उनको भी हमारा प्रयास रहेगा कि उसको स्ट्रेंथन करें ताकि जो टेक्निकल इनपुट्स हमें मिलते हैं उसके बेसिस फील्ड पर ऑपरेट करके इन लोगों को इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मेरे साथी सुनील शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया।